नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्यों कहता हूं कि 2021 के अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए लोगों की गिनती नरसंहार में होनी चाहिए। वैसे तो मरने वालों की गिनती तक नहीं हो रही। अब इन लाशों से किसी की आस्था आहत नहीं होती है। कितनी बेईमानी हो गई है। कोई गरज नहीं रहा है, कहीं छींटे नहीं पड़ रहे हैं। भारत का नागरिक ऑक्सीजन के बगैर तब भी तड़पा तड़पा कर मारा गया जब तमाम हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहसें चल रही थीं। भारत को विश्व गुरु बना देने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रोपेगेंडा आज अस्पतालों के बाहर छितराया हुआ है। जहां कोई बाप, जहां कोई बेटा, जहां कोई मां, जहां कोई पत्नी चिल्ला रही है कि उसे इलाज नहीं मिला। जरूर किसी नए इवेंट की तैयारी हो रही होगी ताकि नए नारे के साथ जनता के बीच आया जा सके, जैसे पिछले साल जब लोग बर्बाद हो गए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लाया गया था। ऐसा कुछ जल्दी आएगा, लेकिन आपके अपने जिन्हें ऑक्सीजन के बगैर मरना पड़ा वो नहीं आने वाले हैं। इतना शर्मनाक और क्रूर समय इससे पहले कभी इस देश ने नहीं देखा होगा। गोवा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो नरसंहार नहीं तो क्या है? लोग अस्पताल पहुंचते हैं कि जान बचेगी, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल में ही मौत होती है। गुरुवार की रात ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से डॉक्टरों के होश उड़ गए। उन्होंने जहां तहां फोन किया और हुआ कुछ नहीं। 15 लोग मर गए। 2 बेटियां जिनके मम्मी पापा भी अस्पताल में थे अनाथ हो गईं। ये कैसी मौत है जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? किसी में साहस नहीं है कि पूछे कि पीयूष गोयल से कि आप जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस का वीडियो ट्वीट करते हैं वो कहां पहुंच रही है? ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र से होती है। 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं, तो वो कब आएंगे? जो मरे हैं उनके ही नागरिक हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनके वोटर हैं। क्या अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे? क्यों गोवा में 4-4 दिन लोगों की ऑक्सीजन के बगैर मौत हुई? जिसे 11 मई को आंध्र प्रदेश के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 11 लोगों की मौत हुई थी, दरअसल हत्या हुई थी। उसी दिन यानी 11 मई को गोवा मेडिकल कॉलेज में 26 लोग मरे थे। 12 मई को कथित रूप से 20 लोगों की मौत हुई। 13 मई को 15 लोगों की मौत हुई। यही नहीं, 14 मई को 13 लोगों की मौत हुई। आपके लिए ये सब नंबर है, लेकिन इसमें किसी का कोई पिता है, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है। 11 मई से लेकर 14 मई के बीच 70 से अधिक लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आने से कथित रूप से मारे गए। ये मौत नहीं, नरसंहार। कोरोना को हरा देना और इसकी तैयारियों को लेकर किए गए सारे दावों का झूठ नागरिकों के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ रहा है और आपके अपने अस्पताल जाकर ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया है कि एक्सपर्ट ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं था जिसके कारण ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचा। छपरा में ड्राइवर नहीं मिलता है, गोवा में ड्राइवर नहीं मिलता है। प्रोपेगेंडा हर समय मिलता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने जा रहे हैं।